जिमी निशम की ये पारी याद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लगभग निशम ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन लिया था, लेकिन अंत में वही हुआ जो कुछ साल पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ था। दोस्तों न्यूजीलैंड 389 रन का पीछा कर रही थी और पीछा करते करते बहुत नजदीक आ गई। आखिरी 5 बॉल पर 13 रन बचे थे और स्ट्राइक पर जिमी निशम थे, और दूसरे बॉल पर निशम को 2 रन मिला और फिर तीसरे बॉल पर भी 2 रन मिला। अब 3 बॉल पर 9 रन बचे थे और चौथे बॉल पर भी 2 रन मिला। अब 2 बॉल पर 7 रन चाहिए थे और निशम के पास इतनी काबिलियत तो थी कि वो छक्का आराम से मार दे, लेकिन पांचवे बॉल पर वो हुआ जो कुछ साल पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ था। पांचवे बॉल पर 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और पूरी उम्मीद वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों निशम की तारीफ करनी पड़ेगी।